कंगना ने मारा योगी के बुलडोजर का लोहा, बुलडोजर ले आए तो सब ठीक हो जाएगा, योगी लगाएंगे राजस्थान की नैया पार। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही राजनीतिक मुद्दों पर बात करती आई हैं। ये सभी को पता है कि कंगना रनौत बीजेपी समर्थक हैं। वो कई मौके पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल खोल कर तारीफ करती रहती है और अब कंगना सीएम योगी के बुलडोजर की ताकत से भी वाकिफ हो रही हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीते कई दिनों से बुलडोजर छाया हुआ है। सीएम योगी बीते काफी टाइम से अवैध निर्माण और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब कंगना को लगता है कि राजस्थान में हो रही हिंसा और क्राइम पर भी योगी का बुलडोजर ही विराम लगा सकता है। आपको बता दें कि हाल में ही कंगना रनौत जयपुर के राज मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी फिल्म धाकड़ का प्रमोशन किया। इस दौरान उनके साथ अर्जुन रामपाल भी नजर आए थे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने राजस्थान में बढ़ते दंगे और क्राइम को लेकर क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में अगर दंगे चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी सरकार लाइए जो कंट्रोल करे। सर, हम ऐसा करते हैं, आपको बुलडोजर भिजवाते हैं। कंगना ने अपनी बातों से सीधा सीधा इशारा कर दिया है कि राजस्थान में बढ़ रहे दंगे और क्राइम पर बुलडोजर बाबा की सरकार ही रोक लगा सकती है। बुलडोजर भिजवाते हैं यूपी से, राजस्थान में ऐसी सरकार लाइए जो इसे कंट्रोल कर सके। कंगना की ये बातें साफ बयां कर रही हैं कि वो चाहती हैं कि राजस्थान में योगी आदित्यनाथ को लाना चाहिए। कंगना रनौत ने ये भी कहा कि ऐसी सरकार राजस्थान में भी लाओ जो क्राइम मिटाए, बुलडोजर से आए और सब कुछ ठीक हो जाए। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कंगना ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर तंज कसते हुए ये बात कही है। कंगना रनौत की इन बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें भी विश्वास है कि बुलडोजर ही राजस्थान के लिए एकदम ठीक रहेगा। कंगना ने भले ही साफ साफ कुछ न कहा हो, लेकिन घुमा फिरा कर बीजेपी, मोदी और योगी की ओर उन्होंने इशारा जरूर किया है। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में ईद के मौके पर खूब बवाल हुआ था। दो समुदायों के बीच झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। इतना ही नहीं, राजस्थान में रेप की घटनाएं आम हो चुकी हैं और वहीं पर अगर बात करें तो नवरात्रि के मौके पर जिस तरीके की हिंसा हुई वो भी पूरे देश ने देखी। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था जो है वो लाचार चल रही है और इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था, इस घटना के बाद तो और भी जनता का आक्रोश बढ़ गया है। वहीं पर जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके चलते भी राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब इन्हीं सब के बाद अशोक गहलोत सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर कंगना रनौत ने यह प्रतिक्रिया दी है और कंगना रनौत ने कहा है कि राजस्थान में भी बुलडोजर ले आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कंगना के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।